अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आप देख रहे हैं अली मुगल ब्लॉग। गाइस, आज का जो ब्लॉग है, हम आपको इस ब्लॉग में बताएंगे कि यूरोप की कौन सी अच्छी कंट्री है जो आपके फ्यूचर के लिहाज से अच्छी है। आपने ये मेरा ब्लॉग देखना भी है, अगर वीडियो अच्छी लगी और चैनल सब्सक्राइब लाइक। तो जी गाइस, गाइस इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जो नए लोग जर्मनी यूरोप आते हैं, बांग्लादेश से, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, उनको चाहिए कि वो जो यूरोप की सबसे अच्छी कंट्री है वो है सिर्फ जर्मनी। जर्मनी ने अब अपने कानून इतने इन्होंने नरम कर दिए हैं कि कोई भी इधर आके आराम सुकून से बंदा सेट हो जाता है। सिर्फ वो इधर आके काम करे, काम करके स्कूल पढ़े, इनका 3 साल वो स्कूल जाएगा, स्कूल पढ़ने के बाद इनका डिप्लोमा, जिसको बोलते हैं हम अपने पंजाबी जबान में, वो बोलते हैं हाउस बिल्डिंग, और उसके बाद उसको उसके पासपोर्ट के ऊपर 2 साल का वीज़ा उसको दे देते हैं वो। तो उसके बाद जो यूरोप की दूसरी कंट्री है, उन सबसे जो अच्छी कंट्री है वो सिर्फ जर्मनी ही है, आपके फ्यूचर के लिहाज से, सैलरीज के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, क्योंकि जर्मनी इतनी जल्दी वीज़ा नहीं देता। और इन्होंने एक थिंक टैंक बनाया हुआ अपना, और उसके मुताबिक अगर आप इनके रूल फॉलो करोगे तो फिर आपको वीज़ा दे देते हैं ये लोग। और उसके बाद जो है पुर्तगाल, जो हमारे कई भी एशियन कंट्री के लोग जो आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, दूसरी कंट्री से, डंकियाँ लगा के, अब डंकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुर्तगाल ने अभी अपना नेशनल वीज़ा, पुर्तगाल नेशनल वीज़ा अभी उन्होंने अभी लॉन्च किया है उन्होंने, और इतना आसान तरीके के साथ बिना इंटरव्यू के, अगर जिस बंदे के पास पाकिस्तान बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो भी शख्स, वो भी लड़का आराम सुकून से पुर्तगाल का वीज़ा ले सकता है। मगर हमारे लोग क्या करते हैं, इनको पता कुछ होता नहीं है, ये चले जाते हैं जंडो के पास। जो जेंट है वो आजकल भाई 25 से 30 लाख रुपया यूरोप के वीज़े का लेते हैं। तो इसलिए आप खुद कोशिश करो, अगर आप यूरोप आ जाओ तो ये सिर्फ 2 कंट्री हैं, एक है पुर्तगाल जो सबसे जल्दी TRC कार्ड दे देता है अपना 2 से 2.5 साल के अंदर, तो उसके बाद है जर्मनी। आप जो जर्मनी है, ये आपके फ्यूचर के लिहाज से सबसे अच्छी कंट्री जर्मनी है, क्योंकि मैंने पूरा यूरोप घुमा हुआ है, तो जो जर्मनी है ना, ये सबका समझ लो कि बाप ही है। ये जर्मनी जैसा कोई भी कंट्री नहीं है यूरोप में, यूरोप क्या यूके, अमेरिका, कनाडा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसका जो थिंक टैंक है उसने ऐसा जाल बिछाया हुआ है अपने मुल्क के अंदर कि इधर जो भी आता है ना, बस वो कर जाता है। तो इसलिए अगर आप यूरोप आते हो तो आपने ज़्यादा कोशिश करनी है अपने जर्मनी सेट होने की, आपका जो फ्यूचर है वो जर्मनी बहुत बहुत। तो इसलिए इधर जो सैलरी है जर्मनी में कम से कम 2000 यूरो पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है, अगर किसी को ज़बान आती है तो वो ज़्यादा भी कमा लेता है। तो इसलिए ये सिर्फ 2 कंट्री में तो इनको लाइक करता हूँ, एक है पुर्तगाल और एक है जर्मनी। और पुर्तगाल में अगर आपके पास TRC नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं 10,000 यूरो, 10,000 यूरो से लेके 15,000 यूरो तक, तो तब भी उधर आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, कोई डुंडर की दुकान को, मोबाइल शॉप वगैरह डाल सकते हो आप, अगर आपके पास TRC उधर की नहीं है। पुर्तगाल का ये बहुत बेनिफिट है, मगर जर्मनी में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो जर्मनी जो है मीर मुल्क है, एक ब्रांड है, तो इसलिए इनके अपने रूल हैं, हर यूरोप के अपने अपने रूल हैं। तो इसलिए अगर वो नया यूरोप में आना चाहता है, ये वीडियो देखें मेरी, तो अगर किसी भाई को कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में अपना नंबर भी मुझे दे लिख सकते हैं नीचे, तो मैं खुद ही आपसे रब्ता करके आपको बताऊंगा मैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपने ये चैनल मेरा लाइक भी करना है, अली मुगल ब्लॉग, और वीडियो आगे आपने शेयर भी करनी है, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.